आदाब नाजरीन, एफएसआईटी न्यूज में आपका खैर मुकदम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर पर। मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों पर ₹1,000 जुर्माना आयद किया जाएगा, जिला कलेक्टर वेंकट राव। तफसीलात के मुताबिक जिला कलेक्टर वेंकट राव ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत की जानिब से मास्क का पहनना लाजमी करार दिया गया है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि घर से बाहर या फिर घर पर रहने पर भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सामाजिक दूरी अख्तियार करें। और इन्होंने अहदेदारों को कहा कि मुलाजमीन जहां भी काम करें मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी अख्तियार करें। और इन्होंने अवाम से अपील की कि साबुन से बार बार हाथ धोएं और कहा कि मास्क इस्तेमाल ना करने वालों पर रियासती हुकूमत की हिदायत पर ₹1,000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। और इन्होंने बल्दिया में कमिश्नर्स और ग्राम पंचायत के वलीद सेक्रेटरी को हिदायत दी कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं इनसे ₹1,000 जुर्माना आयद किया जाए और इस रकम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेक या DD की शक्ल में भेजे जाएं। वाजह है कि जिला कलेक्टर की हिदायत पर आज महबूबनगर शहर में बल्दिया अहदेदारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर मास्क इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किए गए हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।